हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत। आपने आज अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। वास्तविकता यह है कि टरोली के विकास के लिए न तो अधिकारी आगे आना चाहता है, न प्रशासन आना चाहता है, न शासन हमारा चाहता है। आज यदि पूछा जाए, यदि टरोली के विकास में एक कड़ी आई जुड़ी शासन में जोड़ने की कोशिश की, तो हम और हमारे प्रशासक लोग इसमें अड़चन पैदा करने लगे। वास्तविकता क्या है क्या कि टरोली खास में भी आबादी है, टरोली किला में भी आबादी है और टहरो भवनवा में भी। हमने सब आबादी पर, कोई भी आबादी पर चले जाओ, सब पे अवैध कब्जा हो चुके हैं। अवैध लोग कब्जा तो करना चाहते हैं, पर शासन नहीं चाहता कि उसमें या सरकारी योजना बना। अब हमने इसीलिए आज यहाँ पर सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, टहरोली में सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र की जो योजना आई है, उसको ग्राम पंचायत भवनवा में आबादी है, आबादी का नंबर है 678, एक हेक्टेयर 206, एक दशमलव दो हेक्टेयर ग्राम पंचायत की नाम दर्ज। हम चाहते हैं उसमें से सिर्फ 2 एकड़ सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम ट्रांसफर कर दे। ये अधिकार व्यक्तिगत तौर पे नहीं, कानूनी तौर पे एसडीएम को होने के बाद भी एसडीएम साहब इसको टाला टूटी करते हैं। आज मैंने अभी भी कहा कि आपको अधिकार, आप तहसीलदार को लिख दें कि इसको नाम दर्ज कर दें, तो कोई हस्ती नहीं कि उसको रोक। पर मेरे को ऐसा लगा कि एसडीएम साहब ने गोलमोल एक आदेश फिर कर दिया अभी कि तहसीलदार साहब देखें। तहसीलदार साहब क्या देखें, ऑर्डर आपको करना है, आपको देना है, आपने दी है। आप कहें कि यहाँ एसडीएम ने जमीन नहीं दी, मौका आया तो एसडीएम ने मरघर तक में जमीन उठा दी, गोचर में नहीं, गोचर में नहीं होते तो ये टरोली का गोचर कैसे लोगों की आबादी में चला जाता है। ये है ना, हमारे यहाँ पशुधन विभाग का था, ये सिल बन गया। अभी जो आपने ज्ञापन दिया, उस पर एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने ये किया, मैंने कहा जो बात अपनी कही उस पर ध्यान न देकर उन्हें ये दिया, तहसीलदार साहब उचित कार्रवाई। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सब जाएगा चारों तरफ लेना देना पड़ा हुआ है और ये गोलमोल करके हमारी एक योजना को पास करना नहीं चाहते। यदि ये योजना पर आज मैंने एसडीएम साहब से कहा है अपने स्पष्ट शब्दों में, वो माने या न माने, कल या अभी 8 दिन बाद हम यहाँ पर हमारा अनशन शुरू करेंगे इसी को लेकर। बहुत सही कही आपने, हमने दुकानों का निर्माण कराया था, 13 चौदह में कराया था, बहुना के 3 ग्राम में दुकान बहुना है, तो 13 चौदह में वो 9-10 में कराया था। 10 दुकानें बनवाई थी, लेकिन वे ग्राम निधि से बनवाई थी, ना कि व्यक्तिगत। आज जो दुकानें बन रही हैं उसमें व्यक्तिगत निजी आय से दिखा रहे हैं, और 4 दुकानों की ये बात कह रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं, जी लिखित है हमारे पास, ये 4 दुकानों की बात लिख रहे हैं और सूरा बना रहे हैं। क्योंकि अतिक्रमण नहीं है, 4 दुकानें पास की, 4 दुकानें जो पास की है उसके सूरा बना रहे हैं, जबकि 4 दुकानों के लिए निजी आय में पैसा नहीं है। निजी आय ग्राम पंचायत के ग्राम निधि को छोड़ करके, सरकारी धन को छोड़ करके उसमें पैसा नहीं है, एक भी दुकान बनावे के लिए पैसा नहीं है। और जो पैसा जमा था 1 वर्ष पहले उसको निकाल लिया गया, अब उसमें खाते में है ही नहीं, तो निजी आय से भी कहाँ से बना रहे हैं। तो सब हो रहा है, सब खेल हो रहा है। ये तो ये ज़मीन को बचाने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, और हमारी मांग है कि ये यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, तो सैकड़ों गाँव का इसमें भला होगा और हमारी जनता का, हमारे गांव का और सबका भला होगा। आगे आपके और क्या रहेगा? आगे क्या रहेगा? आगे के जो हमारे नेता हैं बाबू सिंह यादव ने जो बता दी है, उन्हीं के पक्षों पर हम चलेंगे, आगे जैसे भी कहेंगे वैसा काम करेंगे। मांग को उठाया गया और सभी मीडिया कर्मी बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। मैं हरे कृष्ण नामदेव, कई वर्षों से ये CHC अस्पताल जो प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लड़ाई हम लोग लड़ते चले आ रहे हैं, विगत शासन से मांग करते चले आ रहे थे, शासन ने इस योजना को विभागीय स्तर पर लागू की और विभाग 2 सालों से शासन से जमीन मांग रहा था,
तो सारी सर्वे कराई गई टहरौली किला, टहरौली खास और बमनुआ में, क्योंकि अब बमनुआ भी टहरौली के ही मापक माना जाने लगा है। और सारे रास्ते जो हैं, जो ये जमीन इसमें हमने अंकित की है, वो सारे जो क्षेत्र के गांव जितने भी पड़ते हैं आसपास के, इसमें हमने सारे गांवों के नाम दिए हैं, वो सारे गांव यहां इसी तहसील प्रांगण के तहसील तगेला से गुजरते हैं। और जस्ट ये जो जमीन है इसी तहसील के सामने है। अच्छा, कहाँ की जमीन है, किस ग्राम पंचायत की? ये बमनुआ ग्राम पंचायत की जमीन है और ये भूमि नंबर 678 है। और इस जमीन को शासन ने और प्रशासन ने उपयुक्त पाया था, लेकिन कुछ जो भ्रष्टाचारी लोग हैं शासन में बैठे हुए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ इस तौर पे, क्योंकि इसमें शासन के लोग जो बैठे हुए हैं वो भी भ्रष्ट हैं और जो इसमें प्रशासन के लोग हैं वो भी इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और जनता को कम से कम ये त्रासदी 70 सालों से झेल रही है। इस टहरौली में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है कि जहाँ 25-30 किलोमीटर के पहले यहाँ के 151 गांवों को, क्षेत्र के गांवों को यहाँ लाभ मिल सके। तो इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, ये जनहित की मांग है। और इसको प्राथमिकता से अगर प्रशासन और शासन अपने अहंकार के अगर लड़ाई में और इसको नहीं सुनता है, तो हम अति शीघ्र इस पर अनशन पर बैठेंगे और आत्मदाह करेंगे और यहाँ भूख हड़ताल भी करेंगे। इसमें जो है कि अगर टहरौली के आसपास 25 किलोमीटर के इर्द गिर्द में कोई भी स्वास्थ्य अस्पताल नहीं है, अगर यहाँ पर जमीन भी पड़ी हुई है और यहाँ पर जो भूमाफिया है यहाँ के, वो यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं बराबर, उन्होंने निर्माण भी करा दिया है। तो हम लोग सभी चाहते हैं, जो हमारे मतलब दादाजी ने कहा है कि हम लोग अगर 8 दिन अगर जी हमारी सुनते हैं अधिकारी, तो हम लोग अनशन पर बैठे। तो हम लोगों को आज हम लोग सैकड़ों की संख्या में, आने वाले समय में हम लोग हजारों लाखों की संख्या में अनशन कर, मीडिया हमारा सहयोग कर रही है, उसके हम बहुत बड़े आभारी हैं। और हम ग्राम प्रधान बहुमत से भी आग्रह करना चाहते हैं कि अपना इनको त्यागें, बहुत बढ़िया, ये जनता का मामला है। आपको दुआएं देंगे, आपके बच्चों को दुआएं देगी पब्लिक, क्यों पब्लिक का भरा होगा, किसी के बच्चे होते हैं तो बगैर डिलीवरी के लिए जाना पड़ता है, घुड़सरा जाना पड़ता है, दुनिया भर की जगह जाना पड़ता है, इसमें अपना ही वो न बनाए। बाकी राजनीति गाँव की है, गाँव में रहने जो लिखा है, जनहित का कार्य है, उनसे आग्रह करता हूँ कि वो जनहित के कार्य में हमारा सहयोग करें। बहुत बढ़िया, बमनुआ में सार्वजनिक आबादी के लिए करीब 6-4 की जमीन सार्वजनिक आबादी की है यहाँ पे, और जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके ग्राम पंचायत ने भी ग्राम सभा निधि से दुकानों का निर्माण की बात हमने पता की है। ग्राम से आज ज्ञापन भी आया है, इसके संबंध में जागरूकता किया, तो ग्राम निधि से निर्माण हो रहा था, इसके संबंध में एडीओ पंचायत और डीपीआरओ साहब इनसे अनुमोदन प्राप्त है और उसके साथ दुकान निर्माण कराया जा रहा है ग्राम सभा ग्राम ग्राम निधि से, यही हमको पता चला है, जानकारी मिली है। और इसके संबंध में अभी माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट दाखिल की गई है, रिट में आदेश पारित हुआ स्थगन का, काम रुकवा दिया गया है और 14 तारीख में लगा है 14 सितंबर। और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही इसमें कोई कार्रवाई किया जाना उचित है, जैसा निर्देश होगा न्यायालय का उचित शासन काम करें। आपका अधिकार क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र के भाग्य पर आपने आगे कहा 2 एकड़ का हो जाता है।